नेक्स्ट हमारे पास जो लोयर लिम का टॉपिक है वो है फीमोरल ट्राइ फीमोरल फिमोरल ट्राइंगल क्या है इट इज़ अ वेज शेप्ड एरिया फॉर्म बाय द डिप्रेशन बिटवीन द मसल्स ऑफ थाई एंड इज प्रेजेंट इन द अपर मीडियल थर्ड ऑफ द थाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट जब ये फीमोरल ट्राइंगल आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपने सामने इसकी डायग्राम ज़रूर रखनी है तब आपको ज़्यादा सही समझ आएगी तो आप इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं फीमोरल ट्राइंगल की ये फीमोरल ट्राइंगल है हमारे पास इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है ना या बेस हम कहते हैं उसको वो बनाती है इंग्वाइनर लिगामेंट लेटरल बाउंड्री बनाती है सार्टोरियस और सार्टोरियस के बाद जो मीडियल बाउंड्री है ना वो बनाती है एडक्टर लोंगस और ये है फेमोरल ट्रायंगल का एपेक्स जो कि बाद में कंटिन्यू होता है एडक्टर कैनाल में अब यह होगी बाउंड्रीज अब जो रूफ़ की बात करते हैं रूफ़ में हमारे पास हम डीप से सुपरफिशियल की तरफ जाएंगे पहले फीमोरल ट्राइंगल उसके ऊपर आएगा फी क्या नाम है फेशिया लाटा उसके बाद आएगा क्रिब्रिफोम फेशिया क्रिब्रोफॉर्म फेशिया क्या है द फेशिया डेड लाइन्स द ओपनिंग ऑफ सेफ डेट लाइन्ज सेफनस ओपनिंग उसके बाद आएगा सबक्यूटेियस टिश्यू उसके बाद आएगी स्किन अब फ्लोर फ्लोर जो बनाता है फीमोरल ट्राइंगल के वो वेरस मेजर और पैक्टेनियस स्वेरस मेजर लेटरली लाइ ले 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 करता है और पैक्टीनियस थोड़ा सा मीडियली ये आगे सारी बाउंड्रीज़ अब फिमोरल ट्राइंगल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक तो होती है फिमोरल शीट और दूसरी होती है एक फिमोरल नर्व जो शीट के अंदर लाइन नहीं करती पहले बात करते हैं फिमोरल शीट की अब फिमोरल शीट क्या है इट इज़ अ फनल शेप्ड फेशियल ट्यूब ऑफ द वेरिंग लेंथ थ्री टू फोर सेंटीमीटर डेट पासिस डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्मेशन इन्फीरियर प्रोलोंगेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेलिस जो ट्रांसवर्स सेलिस है जो एबडोमल फेशिया से आता एबडोमन से आता है वो उसकी बनाता है इंटीरियर वॉल जबकि जो ईलियो स्वेस फेशिया है वो बनाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फिमोरल शीट ठीक है अब टर्मिनेशन ये एंड किस तरह होता है बाय ब्लेंडिंग विद द एडवेंटिटा ऑफ द फिमोरल वेसल एडवेंटिटा का मतलब के आउटर सरफेस ऑफ द वैसेज आर्ट्री या जो फिमोरल वेन है उसकी आउटर जो बाउंड्री है उसके साथ मिक्स हो जाता है अब इसकी बात करते हैं कि कंटेंट्स की फिमोरल शीट को हम डिवाइड करते हैं तीन कंपार्टमेंट्स में मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं पहले तो मीडियल कंपार्टमेंट को हम कहते हैं फिमोरल केनाल ये हमारे पास फिमोरल केनाल है और जो फीमोरल के नाल की ओपनिंग होती है ना उसे हम कहते हैं फिमोरल रिंग ये फिमोरल रिंग है अब देखते हैं स्मोलेस्ट ऑफ द थ्री कंपार्टमेंट्स और कॉनिकल होता है और बहुत शॉर्ट होता है तीनों के दोनों के मुकाबले में ये शॉर्ट होता है तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इट एक्सटेंड्स इसके एक्सटेंड क्या क्या है लाइज बिटवीन मीडियल एज ऑफ द फीमोरल शीथ एंड फीमोरल वेन यहाँ पर फीमोरल वेन होगी मीडियल इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में उसके मीडियल लाया करता है और जो उन दोनों के दरम्यान सेप्टम जो है इसको सेपरेट करता है एक्सटेंड्स डिस्टली टू द लेवल ऑफ सेफनस ओपनिंग अब सेफनस ओपनिंग हमें पता है कि मीडियल साइड पर होती है अपर मीडियल साइड तक था है। ये सेफनस ओपनिंग तक एक्सटेंड करता है उसके बाद हमारे पास कंटेंट आ जाता है इसमें लाई करती है हैं फ्यू लिम्फेटिक वेसल्स प्लस डी इंगवाइनल लिम्फ नोड्स या लेक्यूनल नोड्स भी कहते हैं अब फीमोरल केनाल की बाउंड्रीज की बात करते हैं लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है वर्टिकल सेप्टम बिटवीन फीमोरल वर्टिकल सेप्टम बिटवीन फीमोरल वेन और फीमोरल केनाल ये फीमोरल केनाल है और ये फीमोरल यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या है फीमोरल वेन उनके दरमियान ये सेप्टम है तो ये इसकी बनाएगा लेटरल बाउंड्री नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है हमारे पास सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस कवर्ड बाय द पेक्टीनियस मसल एंड इट्स फेशिया इसके पीछे होगी हमारे पास फिमोरल केनाल के पीछे पैक्टीनियस मसल और उसके पीछे होता है हमारे पास प्यूबिक बोन का सुपीरियर रेमस प्यूबिक रेमस का प्यूबिक रेमस सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक रेमस उसके बाद पैक्टीनियस मसल उसका फेशिया फिर फिमोरल केनाल अब मीडियल बॉर्डर बनाता है लेक्यूनर लिगामेंट लेक्यूनर लिगामेंट आगे हम देखेंगे जब लिगामेंट की बात करेंगे अभी सिर्फ इसको जेन में रख लें इंटीरियर बनाता है मीडियल पार्ट ऑफ द लेक्यूनर लिगामेंट अब इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में हमारे पास जो होती है वो होती है फीमोरल वेन फीमोरल वेन कहाँ से आ रही होती है पेप्लीटियल वेन से पोपलीटियल वेन इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ पोपलीटियल वेन हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं वेन के गेस में ठीक है पोपलीटियल वेन की कॉन्टीन्यूशन है पोपलीटियल वेन क्या करती है क्रॉसिस द एडक्टर हाइट एडक्टर हाइट्स भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होता है एंड असेंड थ्रू एडक्टर के नाल लाइज पोस्चीरियो लेटरल एंड देन पोस्चीरियो पोस्चीरियो टू द फीमोरल आर्टरी जब ये असेंड करती है फीमोरल वेन तो डिस्टली ये पहले रहती है पोस्चीरियो लेटरल टू द फीमोरल आर्टरी फिर जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ये पोस्चीरियर आ जाती है फीमोरल आर्टरी के और जब फीमोरल शीट में पहुँचती है तो ये मीडियल लाई करती है फिमोरल आर्ट्री यहाँ होगी फीमोरल वेन और जो हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट होता है इसमें होती है फिमोरल आर्ट्री तो इसकी मीडियल लाई करती है फीमोरल वेन एंड पोस्टीरियर टू द इंगवाइनल लिगामेंट और ingu... इसके ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट होगा फीमोरल चीज का हमने देखा तो सुपीरियर बाउंड्री कौन में आएगा फिमोरल इंगवाइनल लिगामेंट यहाँ पर यह फीमोरल वेन ख़त्म हो जाती है और कंटिन्यू होती है एज एक्सटर्नल इलियक वेन और फीमोरल वेन क्या रिसीव करती है प्रोफंडा फीमोरल वेन ग्रेट सेफनेस मेन और अदर ट्राइब्यूटीज इसकी बात हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में अब अब हमारे पास फिमोरल ट्राइंगल क्या होता है उसकी बाउंड्रीज हो गई स्ट्रक्चर्स में फिमोरल शीट हो गई फिमोरल शीट में कौन कौन से कंपार्टमेंट भी मैंने पढ़े हैं मीडियल कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट अब हमारा क्या रह गया है लेटल जिसमें फिमोरल आर्टरी लाई करती है और सेफनेस नर्व जो कि फिमोरल शीट से बाहर लाया करती है इनकी बात हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे